Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Revision algebra. Question number 15. The sum of present ages of Tahir and Masood is 18 years. 3 years ago, Tahir was 3 times as old as Masood. Find the present ages. Suppose age of Tahir is equal to x. Tahir aur Masood ki umar ka majmua 18 saal hai. 3 saal pehle Tahir ki umar Masood ki umar se 3 guna thi. To ab jo unki umar hai वो हमें फाइंड करनी है. तो वो फाइंड करने के लिए सपोज एज ऑफ ताहिर इज इक्वल टू एक्स. एज ताहिर की एज को एक्स के इक्वल टू रख लेते हैं. सम ऑफ ताहिर एंड मसूद एजेस इज इक्वल टू 18. सम ऑफ ताहिर एंड मसूद एजेस इज इक्वल टू 18. एक्स प्लस मसूद एज इज इक्वल टू 18. इसका ये मतलब मसूद एज इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स. यहां से x इस तरफ चला गया तो 18 में जाके माइनस हो गया है. ताहिर से एज 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले ताहिर की एज कितनी थी? x माइनस 3 थी. मसूद से एज 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले मसूद की उम्र कितनी थी? 18 माइनस x माइनस 3 थी. तो इस तरह हम इसको लिख देंगे, 18 माइनस x माइनस 3 थी. तो जो अल्टीमेटली एड और सब्ट्रैक्ट होकर 15 माइनस एक्स रह जाएगी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 3 टाइम्स एज ऑफ मसूद इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. ये क्वेश्चन कंडीशन है. अब इसको ब्रैकेट को हल करना है. सिर्फ ब्रैकेट को हल किया गया तो 3 15 45 माइनस 3 एक्स आ गया इस तरफ और x माइनस 3 राइट तरफ पहले ही लिखा हुआ है. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया गया तो ये वाला 3 ट्रांसपोज कर लेते हैं. इस तरफ आने को ट्रांसपोज कहते हैं. इक्वेशन के राइट साइड या लेफ्ट साइड पर कोई भी टर्म जाए तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं. तो 3 जो है वो 45 से आकर प्लस हो गया और 3 माइनस 3 एक्स जो है वो एक्स से जाकर राइट साइड पर प्लस हो गया. 48 इज इक्वल टू 4x आ गया. अब इसको थोड़ा सा सीधे हाथ लिख लेते हैं. 4x इज इक्वल टू 48 आ गया. अगर अच्छा लगता है तो x इज इक्वल टू 48 ओवर 4 आ गया. ये 4x जो है 48 पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. अब जब 4 48 पर डिवाइड होगा तो 12 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x को ही हमने ताहिर की एज के इक्वल टू रखा हुआ है. तो हम लिख देंगे ताहिर से एज इज इक्वल टू 12 इयर्स और ऊपर जो मसूद एज है वो है 18 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स को इस्तेमाल करते हुए 18 से माइनस एक्स कर देंगे जो अब हमारे पास वाजिया तौर पर निकल चुका है. एक्स इज इक्वल टू 12 है तो 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा जो कि मसूद एज होगा. मसूद की 6 ईयर. इन अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 16. अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5. द सम ऑफ द नंबर इज 19. फाइंड द नंबर. सपोज वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x. एक नंबर दूसरे नंबर से 5 ज्यादा है. द सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 90. फाइंड द नंबर. तो अगर उन दोनों नंबरों का सम किया जाए तो 90 के बराबर आता है और वो नंबर हमने फाइंड करना है. तो सपोज कर लेते हैं वो नंबर बराबर है x. सम ऑफ नंबर क्या है? सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 19. सम ऑफ नंबर का मतलब x प्लस अनदर नंबर इज इक्वल टू 9. अनदर नंबर इज इक्वल टू 19 माइनस x. ये वाला x जो होगा वो 19 से आकर माइनस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 19 माइनस x.
और जब इनको ट्रांसपोज किया जाएगा तो इधर आके 2x, x में x प्लस होकर 2x हो जाएंगे और 19 और 5 प्लस होकर 24 हो जाएंगे और x इज इक्वल टू 24 ओवर 2 हो जाएगा और 2 पर इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12, फर्स्ट नंबर 12 आ जाएगा और इसी इक्वेशन जो ऊपर हमने निकाले हुए है 19 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट की गई तो 19 में से 12 निकले तो 7 आ जाएगा, तो अनदर नंबर 7 है। इक्वेशन अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नेचुरल नंबर इज 39, फाइंड द नंबर्स। तीन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, कोई से तीन नंबर ले लो और वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब 11 उसके बाद 13 और उसके बाद 15, ये कंसेक्यूटिव, इस तरह कोई और नंबर भी ले सकते, तो उसका जो सम है वो 39 के बराबर हो जाता है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज फर्स्ट ऑड नंबर इज 2x प्लस 1। अब ऑड नंबर जो होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, 2x प्लस 1 इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। सेकंड नंबर 2x प्लस 3 लिखा होगा, थर्ड नंबर 2x प्लस 5 लिखा होगा, इस तरह के फॉर्म में ऑड नंबर लिखे गए होते हैं। सम, इसका सम करके देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इन सबको प्लस कर दिया, आगे इनको सिंप्लीफाई किया गया, 2x 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 मिलके 2 2 4 तो 6 6x और 1 3 प्लस 5 ये मिलके 9 हो गया और ये सारा 39 के इक्वल है, तो इसको 39 के इक्वल लिख दिया। अब ये 9 इधर आके माइनस हो गया और 39 माइनस 9 आ गया। अब ये 6, 39 में से जब 9 माइनस किया तो 30 बाकी रह गया और ये जो x के साथ 6 लगा हुआ है 30 पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब 30 पे आके डिवाइड होगा, 6 5 जा 30 होते हैं, तो 5 आंसर। अब फर्स्ट ऑड नंबर हम निकालने के लिए यही x की वैल्यू इस वाली यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें जब इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, दूसरे में पुट करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, इस जगह पर x पुट करेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो इस तरह पुट किया तो 11 13 और 15 ऑड नंबर, तीनों के तीनों ऑड नंबर आ गए हैं। अब हमारा रिवीजन अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, द सम ऑफ थ्राइस द लार्ज नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 61, फाइंड द नंबर। दो नंबरों का डिफरेंस 4 है, दो नंबर को अगर माइनस किया जाए तो 4 जवाब आता है। द सम ऑफ थ्राइस द लार्ज नंबर एंड द 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 61। एक नंबर को 3 गुना करके यानी कि 3x करके प्लस 4 इंटू 4 टाइम्स कर दिया जाए सेकंड नंबर का, तो वो 61 के बराबर आएंगे, तो वो नंबर फाइंड करने हैं हमें। तो लेट्स सपोज सबसे बड़ा नंबर जो है वो x है, लेट अस सपोज द बिगेस्ट द लार्जेस्ट नंबर इज x, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? सवाल में ही उसने दिया है कि वो 4 के डिफरेंस पर है, x में से 4 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि डिफरेंस जो है वो 4, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से द सम ऑफ थ्राइस, द सम ऑफ थ्राइस द लार्ज नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 61। अब सम ऑफ निकाल लेंगे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके x को, प्लस x माइनस 4 को भी 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सवाल में ही उसने दिया गया है कि 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 61 है, ये कंडीशन दी गई है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई ही करना है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई कर देना है। अब जब ब्रैकेटें खोली गई तो पहले 3x प्लस 4 जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिखा 3x प्लस 4x माइनस 16, और जब 4 से मल्टीप्लाई होता 16 आया इज इक्वल टू 61। अब आगे 3x प्लस 4x 7x आ गए और 61 माइनस 16 77 आ गए, और 7x जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 77 से। जब इसको 77 को सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 7 और 11 7 77 होते हैं, तो लार्ज नंबर 11 निकल आएगा और वो जो स्मॉलर नंबर की इक्वेशन है x माइनस 4, उसमें अब 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा,
जो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ ही रिवीजन अलजेब्रा का जो सारे का सारा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है, वो हल हो चुके हैं, और इसी के साथ अलजेब्रा का सारा ही चैप्टर हमने हल कर लिया हुआ है। और अब चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि आगे हम ज्योमेट्री का चैप्टर आने वाला है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री, हम शुरू करेंगे कल से।